आज से वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। 18 साल से अधिक आयु के लोग इस रजिस्ट्रेशन को करा सकते हैं। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र में वैक्सीन की किल्लत की खबरें मिल रही हैं। बीकेसी समेत मुंबई के 18 वैक्सीनेशन सेंटर्स पर वैक्सीन ही नहीं है। लोग पहुंचे वैक्सीन लगवाने, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा। बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने आए थे, मगर सेंटर पर नो वैक्सीन का पोस्टर लगा हुआ दिखा। उधर पुणे में भी वैक्सीन सेंटर पर लोग तो पहुंच रहे हैं, लेकिन निराशा ही हाथ लग रही है। धूप में लोग कतार में लगकर खड़े हैं, लेकिन वैक्सीन का नामो निशान नहीं है। बैरंग ही लौटना पड़ रहा है। और अब जब 18 साल से अधिक आयु के लोगों को भी ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी, तो ये वैक्सीन आपूर्ति कैसे होगी, संख्या कैसे पूरी पड़ेगी, यही एक गंभीर चिंता। मुंबई में वैक्सीन सेंटर पर वैक्सीन खत्म होने के बाद लोगों को निराश होकर घर लौटना पड़ रहा है। हमारे संवाददाता रौनक कुकड़े ने हमें एक रिपोर्ट भेजी, वो आप देखिए। वैक्सीन डोज की कमी की वजह से फिर एक बार मुंबई के बीकेसी में मौजूद जंबो वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बंद हो चुका है। किसी तरह की भी जानकारी जो है वो लोगों को यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है। आप देख सकते हैं कि इस वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर जो जानकारी देने वाले लोग हैं वो भी फिलहाल यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे। दरअसल महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से इसी तरह की तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आ रही है। और इसकी वजह से जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीन का डोज लगाने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उन्हें अब खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। ये स्थिति केवल यहाँ की नहीं है, मुंबई के अलग अलग सेंटर्स में इसी तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। हमारे साथ सर आपसे समझना चाहेंगे, आप आपके पापा मम्मी को यहाँ पर डोज लगाने के लिए आए थे, क्या उनका सेकेंड डोज था या फर्स्ट डोज? सेकेंड डोज है, मेरा भी सेकेंड डोज है। अच्छा, क्या स्थिति, कहाँ कहाँ गए, क्या कोई जानकारी मिली? 3 दिन से मैं एलिजाबेथ हॉस्पिटल, ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल, पारसी हॉस्पिटल, रिलायंस में गया, वहाँ पे रिलायंस ही है ना वो, प्रातः समाज एंड सेफी, 5 जगह जाके आया। कल 8 बजे गया तो आज 7 बजे बुलाया, तो आज 7 बजे गया तो बोलते हैं 5 बजे वो कुछ बोल रहा है। और 80% जगह पे वैक्सीनेशन ही नहीं आया है। ब्रिज कैंडी में आज सुबह में गया तो उधर उनको ये नहीं मालूम है कि कोविशील्ड आ रही है कि कोवैक्सीन आ रही है, तो हम लोग को लाइन में खड़ा कर दिया। बोला 8:15 बजे मालूम पड़ेगा कि कौन सी आ रही है, फिर हम लोग लाइन में खड़े रहे, फिर मालूम पड़ा कोवैक्सीन आई है, आज कोविशील्ड नहीं आई। तो मेरा सेकेंड डोज कोविशील्ड का है, तो वहाँ से वापस हम लोग निकल के आज 4 हॉस्पिटल में जाके 5वां हॉस्पिटल है यहाँ पे आए। बताइए कि आपने इसके पहले कब फर्स्ट डोज कब लिया था? मेरे को ऑलमोस्ट 7 वीक हो गए, जनरली 6 to 8 वीक्स अलाउड करना है, इसलिए हम लोग डिले कर रहे थे, अभी 7वां वीक तो चालू हो गया। तो मेरे पेरेंट्स का तो 8 वीक भी हो गया। कौन सी वैक्सीन, कौन से वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेगी, मसलन कोविशील्ड है या कोवैक्सीन है, इसकी भी जानकारी जो है वैक्सीनेशन सेंटर पर सही वक्त पर न मिलने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ सीनियर सिटीजन है, सर क्या आप भी वैक्सीन लगा? जी सर, हम भी आए हैं। क्या बताया जा रहा है? अभी तो बोलते हैं मेडिसिन नहीं है। आपने क्या पहला डोज लगवा? नहीं, सेकंड डोज हमारा है, पहला तो हम लगवा चुके हैं। वैक्सीन सेंटर्स पर वैक्सीनेशन नहीं है, पूरा ये जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है बीकेसी का और पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। ना कोई यहाँ पर जानकारी देने वाला है और ना इस बारे में कोई बता रहा है कि कब ये वैक्सीनेशन शुरू होगा। लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, ABP न्यूज़ मुंबई। जब 45 साल से अधिक आयु के लोगों को वैक्सीन लग रही है तब वैक्सीन की कमी है, 18 साल से ज़्यादा के लोगों को लगने लगेगी तो क्या स्थिति होगी, ये अब इसी का इंतजार है। वैक्सीन की किल्लत राजस्थान में भी हो रही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि एक दिन में वो 7 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाने की स्थिति में है, लेकिन वैक्सीन मिलने में दिक्कत हो रही है। जहाँ वैक्सीनेट किया जाता है उन साइट्स को शानदार तरीके से डेवलप किया गया है, इसीलिए हम लोग पूरे कंट्री में वैक्सीनेशन में भी नंबर 1 रहे हैं। उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन की वो प्रॉब्लम आ गई। हमारे पास एक दिन में हमने 5,81,000 लोगों को वैक्सीनेट किया, 1 लाख वैक्सीन जब बच गई तो हमको स्टॉप करना पड़ा कि फर्दर वैक्सीनेशन कैसे करेंगे। फिर भारत सरकार से रिक्वेस्ट की, 10 लाख उन्होंने भेजे, 4 लाख और भेजे, ऐसे टुकड़ों में वैक्सीन मिल रही है, लेकिन हमारे स्टेट की कैपेसिटी 7 लाख लोगों को हम पर डे वैक्सीनेट करने की स्थिति में हैं। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।